आते हैं, उनके गण ही आते हैं, ब्रह्म आ सकते हैं, जो कोई भी आ रहे हैं, अगर उनका हम बोलेंगे अलग अलग से पूजा ना दे करके आप एक बार, सबसे बढ़िया होगा कि सिर पे बुला करके किसी से पूछवाइए कि भाई क्या चाहते हैं, किस अनुसार किस स्वरूप में पूजन हो, क्या हो। अगर भगवती विंध्यवासिनी के नाम से चलते हैं तो आपका मुख्य पूजा विंध्यवासिनी का ही होना चाहिए, अन्य का पूजा विशेष नहीं होना चाहिए, यही सही है। ब्रह्म भी अगर उनके नाम पे चलते हैं तो ब्रह्म को भी स्थान देने से पहले 1000 बार सोचिए, अगर वो विंध्यवासिनी भक्त हैं तो उनको गंगा नहला के विंध्याचल में रहने बोलिए, और विंध्याचल की सेवा में रहें, क्यों आपके शरीर पे आएंगे रोज रोज। देखिए दो तरीके का चीज़ है, ब्रह्म अगर निष्ठ ब्रह्म है, एकदम पक्के ब्राह्मण होंगे तो वो फिर बात भगवती की सेवा में ही चले जाएंगे, वो गण के रूप में वहाँ स्थापित रहेंगे, अपना अनुसार वो उस जगह चले जाएंगे, उस जगह वो उनका ठीक ठाक उनका चलेगा, समय समय पर वो आ सकते हैं। नहीं तो बाकी जो है वो तो फिर आपको अनेकों प्रकार से परेशान करने के लिए तो काफी है। काली सहस्त्र नाम की विधि, ठीक है। गीता पाठ से प्रारब्ध स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। राहुल जी जय श्री राम। अक्षय तृतीया को मैं अपने लिए 2-व्हीलर लाना चाहता हूँ, अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, अक्षय तृतीया के दिन 2-व्हीलर पहले से बुकिंग करा लीजिएगा, नहीं तो फिर अक्षय तृतीया को बुकिंग कराइएगा, अक्षय नौमी को मिलेगा क्योंकि बहुत लोग बुकिंग कराते हैं, पहले से बुकिंग रखिएगा। ऋण मोहन गणपति और धन लाभ, जी बिल्कुल, आप ऋण मोचन गणपति का पाठ कर सकते हैं। कलश का प्रयोग इस साल नहीं कर पाएंगे, और क्या कर सकते हैं? महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कीजिए विदेश में बैठ के। विकास जी, विदेश में आप है ना, वहाँ महा संभव हो जो भी वनस्पति उपलब्ध हो जाए, बस लाल रंग का कलावा रखिए, और जो है कार्तिक के महीने, पूरा कार्तिक का महीना भगवती का अनघा लक्ष्मी का आप जप किए ना, अनघा लक्ष्मी के साथ में जप कीजिएगा, और साथ में जो है आप महालक्ष्मी अष्टक का भी पाठ करें या जाप करें। आपको कुछ बोलना या आपको कुछ देना इसलिए संभव नहीं हो रहा ना कि आप जो वहाँ की स्थिति बताए हैं ना, जिस जगह आप विदेश में हैं, तो मुझे लगता है कि यार हम बता तो दें, आप जबरदस्ती कर भी लेंगे, लेकिन फिर वो वहाँ की स्थिति ऐसी है, कौन सा दोष लगे ना लगे। भारत की बात अलग रहती है, भारत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लक्ष्मी पूजन के बाद और कोई तंत्र पूजन में किस शक्ति को भी पूजा जा सकता है जो प्रोटेक्शन को प्रदान करें? भगवती लक्ष्मी स्वयं समर्थ हैं, और ऐसे भी अगर आप करना चाहें तो तंत्र संबंधी जितनी भी शक्तियाँ हैं जिनमें आपकी श्रद्धा है उनकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप बिना गुरु के काली चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी बंधन किया है तो सारा उपाय बता दिए कैसे क्या करना है। बटुक भैरव कवच कौन सा पढ़ें, सामान्य ब्रह्म या पंजर? सामान्य ही पढ़िए, ब्रह्म और पंजर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, और उसमें फिर नियम भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा गलती होने पर दंड भी मिलेगा। वज्र पंजर तो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें बहुत बीज हैं, तो मत ही कीजिए। जी बिनु जी, ठीक है। बुरा कोई किसका क्यों करेगा, विद्या उसको ही मिलती है जो योग्य होता है। ऐसा थोड़ी है जस भट्ट जी, रावण योग्य थे क्या? आप अगर योग्यता की बात करेंगे, आदमी बुरा विद्या को प्राप्त करने के बाद बनता है, ध्यान रखें। पहले कोई बुरा ऐसा नहीं बनता, राक्षसों को जितनी भी शक्तियां मिली हैं, जब तक उनको वरदान नहीं मिला तब तक तो नियम निष्ठा से रहे हैं, वरदान प्राप्त करके शक्ति प्राप्त होने के बाद ना वो बर्बादी करना शुरू किए हैं, त्राही माम बचाए हैं, नहीं तो 24 घंटा तक पूरा एकदम साधना वाधना में घुस करके जबरदस्त ब्रह्मा जी की तपस्या करते, तब तो ब्रह्मा प्रकट होने को मजबूर होते हैं। तो विद्या प्राप्त होने तक तो सभी नियम निष्ठा से रहते हैं, विद्या प्राप्त होने के बाद ना तबाही मचाते हैं, आतंक मचाते हैं। नौमी हवन किया, पूरी तरफ से जला नहीं सामग्री, फर्स्ट टाइम किया था। देखिए जलाने का तरीका होता है, एक बार हम करते हैं हवन तो करके प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे हवन कुंड को सजाना चाहिए, कैसे लकड़ियों को फिर बीच में डालना चाहिए, कैसे घी डालना चाहिए कि पूरा की पूरा हवन सामग्री जो है बढ़िया से जले। कोई बात नहीं, बीच बीच में कपूर भी डालना चाहिए। हवन आरती वक्त सवारी आई थी, तब तो आरती वरती गिर कर गया होगा आपका। लक्ष्मी बंधन को कैसे खोला जाए बताएं सुनील जी।
भगवती कृपा, आप जो मंत्र लिखे हैं भगवती कालिका का एक उच्च कोटि का मंत्र है, इसको विनियोग न्यास इत्यादि सहित अगर जप करेंगे तो भगवती कालिका अनंत कृपा प्राप्त होगा। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश काफ़ी सालों से पूजा करती हूँ लेकिन विसर्जन नहीं किया, क्या है गलत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खोखले ना हो। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश भी खोखले रह जाते हैं, खोखले नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आपकी श्रद्धा है तो उनका पूजन करें जब तक वो सही सलामत है, बढ़िया से हैं। मासी के घर के कंपाउंड में सुअर का शेष मिला, इसका क्या मतलब होता है और क्या उपाय कर सकते हैं? सुअर का शेष मिला अर्थात यहाँ पर तो दो प्रकार का चीज हो सकता है, एक तो वाल्मीकि समाज का प्रयोग भी होता है। अब आप कहाँ से हैं हरीश बिस्वा जी, थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए आपको। मैं इतना योग्य कब बनूंगा कि प्रेत दिखने लगे मुझे? मुझे सूक्ष्म जगत देखने की बहुत जिज्ञासा है। जस बट जी, सूक्ष्म जगत देखने की जिज्ञासा है तो उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति आवश्यक है, और सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति आपको किसी भी अपने इष्ट आराध्य के कोई भी एक मंत्र का अधिकाधिक जप, त्राटक नियम और शरीर में अधिकाधिक, क्योंकि जब आप अन्य जगत की चीज़ों को देखेंगे तो उससे मस्तिष्क पे आघात प्रतिघात होता है, वहाँ से निकलना संभव नहीं हो पाता। दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होने के बाद वास्तविकता और भ्रम, इन दोनों में यह देख पाना कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत, बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। कभी कभी किसी सीरियल्स में, टीवी में सब चीज़ को दिखाता है, आदमी नहीं समझ पाता है, और वास्तव में उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं मस्तिष्क की वजह से। मान लीजिए कि आप 2 दिन तक बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप समझते हैं मस्तिष्क जो है कैसा रिएक्ट करना शुरू कर देगा? वही अवस्था हो जाती है उस समय भी, आपको समझ नहीं आएगा कि वास्तविकता क्या है, भ्रम क्या है, वहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए महालक्ष्मी योगिनी के बताए लिखित में इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की योगिनी का अवलोकन करें। नवरात्रि में वो कमजोर होने वाला कमेंट मैंने ही किया था, आपने कहा सवारी के लिए सिर्फ कमजोर है, पर मुझे तो कोई सवारी नहीं आती, क्या हो सकता है? याद तो नहीं है मुझे महेश जी। संकल्प में भक्ति नहीं मांगना चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताइए कैसा क्यों? देखिए, ज्ञानियों के द्वारा यह कहना, प्रवचनों में संत महात्मा जो इस चीज़ को कहते हैं कि जब हम निष्काम संकल्प ले लेते हैं या फिर भक्ति प्राप्ति के लिए संकल्प लेते हैं तो भगवान जो है हमारे प्रारब्ध को बहुत जल्दी से काटना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि भक्ति हमें प्राप्त हो। और देखिए, जो भी दिव्य भक्त होते हैं वो मांगते हैं कि आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो, अखंड भक्ति मांगते हैं। विभीषण जो थे उन्होंने नारायण के अखंड भक्ति का वरदान मांगा था कि हृदय में नारायण सदैव विराजमान रहें, ब्रह्मा जी से ही मांगा। तो जो उसके बाद सोचिए, जो ब्रह्मा का दर्शन कर लिया उसके बाद भी रावण तो लात मार के उनको निकाला, इतना सामर्थ्य तो रावण में रहा उस समय कि वो विभीषण को लात मार दिया। अब बाकी जो भी चीज़ें रहीं, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पे संत महात्मा बोलते हैं कि जब आप निष्काम संकल्प ले लेते हैं या फिर आप बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में प्राप्त हो, भौतिकता के लिए आप कुछ कामना नहीं करते हैं, तो काफ़ी तेजी से परेशानियां बढ़ती हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि आपके प्रारब्ध को देवता जल्दी से जल्दी खत्म करके उस मार्ग पे आगे लेकर के जाना चाहते हैं, इसी कारण से परेशानी बढ़ती है। आप अकेले हो तो बात अलग है। मनुस्मृति इत्यादि या अन्य जो ऐसे ग्रंथ है, स्मृतियों में इस चीज़ को बताया गया है कि जो भी साधक मोक्ष मार्ग की ओर चले जाए, जो भी युवा जो है मोक्ष मार्ग का साधक हो या मुक्ति मार्ग में या सिद्धियों को प्राप्त करने की ओर ज़्यादा अग्रसर हो, उसे विवाह नहीं करना चाहिए, अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए, ऐसा बताया गया, अपनी पुत्री को नहीं देना चाहिए। इसके पीछे का यही कारण है। आप निष्काम मांग रहे हैं, कष्ट तो आपको मिलेगा, साथ में उसे भी कष्ट मिलेगा, फिर वहाँ गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ जो नियम है वो तो टूटेगा ना। तो एक चीज़ में दो चीज़ नहीं हो सकता, दो चीज़ को लेकर आप नहीं चल सकते एक साथ, इसलिए मना किया गया है। बलि क्यों देते हो माता जी, क्या मासूम जीव का खून पीएंगे प्रसन्न होएंगे? जस भट्ट, मद्दी जी कौन बोल रहा है बलि देने के लिए? हम तो नहीं बोले कभी बलि दो, आप पूरा बात सुने नहीं। इसका मतलब मानसिक रूप से विषिप्तता अगर किसी साधना में गलती से या देव आद अथवा देवी दोष श्राप से हो गए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? मानसिक विषिप्तता जिनकी जिस भी साधना से हुई है,
देखिए देव देवी के दो साधना से तो अगर आप बीज मंत्र इत्यादि का बहुत अधिकाधिक किए हैं तो दिक्कत होगा। गायत्री का दुष्प्रभाव पड़ता है, ये भी जान लीजिए। गायत्री का भी जबरदस्त दुष्प्रभाव पड़ता है। सबका निराकरण जो है सबसे बढ़िया रहता है भगवान सदाशिव का अभिषेक से। स्वयं से जितना हो सके उतना अभिषेक भगवान सदाशिव का करना चाहिए, और किसी से करना चाहिए संभव हो तो कुश के जल से कीजिए, या फिर मधु दूध इन सभी को, मधु दूध और गंगा जल इत्यादि को मिला करके इनसे कीजिए, वही श्राप मुक्त करेंगे। नवान मंत्र की साधना में आपको दिक्कत हो रही है, गेम जोन जी दीक्षित हैं आप, मैं बार बार बोलता हूँ, इन मंत्रों को लोग बोल देते हैं बिना दीक्षा करो कोई दिक्कत नहीं है, एक लिमिट तक कीजिए ना बिना दीक्षा के अगर कर रहे हैं तो। अधिकाधिक करना है तो योग्य साधक से, योग्य गुरु खोज के दीक्षा ले लीजिए, कर्णमातंगी विधि प्रयोग। साकेत ठाकुर जी अभी तो बात थोड़ा संभव हो नहीं पाएगा। काली खोह में माँ कामाख्या का जो चबूतरा है वहाँ एक साधु जी झलक आई थी, आकर्षण हुआ था लेकिन बस किसी कारण में गया नहीं, हाथ जोड़ दिए था। क्या कामाख्या जाना चाहिए लाल कन्या भोग मांगते हुए? गौरव सिंह जी, काली खोह में पीछे की ओर जो भगवती कामाख्या का मंदिर बना है आप उसके विषय में बोल रहे हैं? आप अगर विवाहित हैं तो आप जा सकते हैं कामरूप कामाख्या। गुरु जी मैंने दून है माता मनसा की साधना करके 45 दिन की प्राप्ति हो सकती है, मैंने सुना है माता मनसा की साधना करके। आप किसी भी शक्ति की साधना कीजिए, धन देने में हर शक्ति समर्थशाली है। हमारे सनातन संस्कृति के हर देवता समृद्ध हैं, हर देवता के पास धन देने का सामर्थ्य है। कोई भी एक शक्ति ऐसी है ही नहीं जो धन देने में सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई प्रेत पिशाच भी पूजता है कहने के लिए मैं कह दूं, वो भी धन देने में समर्थशाली होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। पुराणों में जिन भी पिशाचों का वर्णन है, जिन भी कथाओं को आप सुनेंगे, वो सभी धन देने में समर्थशाली हैं। तो जब एक भूत प्रेत पिशाच धन देने में समर्थ है तो भगवती मनसा भला क्यों ना होंगी जो साक्षात शिव की पुत्री हैं। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी का व्रत रखा तो मेरे पूरा दिन रोते हुए गुजरा। माँ काली में बहुत सीधा है व्रत, एकादशी का करती हूँ और चित्र पर माँ काली जगदम्बा बैठी रहती हैं, क्या करूं? कृपया माँ के दर्शन करें। ऋतु जी, एकादशी का व्रत आप कर रही हैं और जगदम्बा भगवती काली में आपकी श्रद्धा है, एक बार आप अच्छे से विचार विमर्श कर लीजिए। हालांकि कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है, और इसके लिए हम आपको बोलेंगे कि आप एक बार जो है देवी भागवत महापुराण का वह अध्याय केवल पढ़िए जिसमें भगवती काली यह वर्णन किए हैं कि कृष्ण रूप में मैं अवतार लूंगी, तो आपका यह संशय ही मिट जाएगा। फिर आप एकादशी भी कीजिएगा तो भी आप नहीं रोइएगा, ना ही आपको स्वरूप भेद होगा। मैं बार बार एक श्लोक बोलता हूँ, एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्न चतुर्थ व्यवहार काले पुरुषेश्वर विष्णुर्भोगेर भवानी समरेश दुर्गा प्रलय च काली। तो आप निश्चिंत होकर के कीजिए। चल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा विधान क्या होता है? ठीक है बताते हैं भैया, सब वीडियो बनाया भैया, अब अपलोड नहीं होता, बहुत दिन से बनाया, पूजा पाठ से समय मिले तो अपलोड करें। महालक्ष्मी महाराष्ट्र के बारे में बताइए, किसके विषय में? महालक्ष्मी मुंबा देवी के विषय में या महालक्ष्मी के विषय में? 1 साल से परेशान हूँ, घर में पैसा नहीं टिकता। जो लक्ष्मी आकर्षण प्रयोग दिए हैं उसको कीजिए, और प्रतिदिन महालक्ष्मी अष्टक का 16 पाठ करिए, संभव हो तो जितने भी विशेष तिथि मुहूर्त हैं उनमें 108 108 पाठ किया कीजिए। हवन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पाठ किया कीजिए अधिकाधिक। अरे करण जी, हम करण मातंगी साधना ये सब नहीं दे सकते हैं, केवल साधना देने वाला बात नहीं है ना, उसको लीगल चीज दीजिए जो कि आदमी कर सके। जलेश्वर जिनवाल जी, आपसे तो बात होती है, आप कृपया वहाँ एक बार बात कर लीजिए, मैं जरूर यथाशक्ति आपसे आपके जो भी विषय होंगे उसे संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। भगवती तारा की साधना 10 महाविद्या का सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें सामान्य जो तरीके हैं उन्हें बताएंगे। चंद्रपुरा के बारे में बताइए महाराज। चंद्रपुरा रावल नितिन जी, शायद मैं विषय को स्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहा हूँ। भट्टुक भैरव प्रत्यक्ष हो सकते हैं,
बिल्कुल हो सकते हैं। अभी तो भगवती काली जी प्रत्यक्ष हुई थी एक साधक की, वीडियो भी डाले हैं, तो जब वो हो सकती हैं तो बटुक भैरव भी हो सकते हैं। आप बगला मुखी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं छात्र में कल वाला प्रयोग करने में सक्षम नहीं हूँ, घर की आर्थिक स्थिति। हर्षित जी तो फिर लक्ष्मी वाल जी वाला वो बताया ना, कमल गट्टे वाला, वो कर लीजिए ना, वो तो हो जाएगा आराम से। बिना गुरु का बगला मुखी कवच पाठ कर सकते हैं क्या? तुषार जी, सामान्य कवच जो है वो पाठ करेंगे, ब्रह्मास्त्र कवच इत्यादि ना करें, मंत्र साधना ना करें, सतनाम सतोष्टोत्तर इत्यादि जो है अष्टोत्तर जो है वो सब कर सकते हैं। अपराजिता स्रोत के बारे में, अपराजिता स्रोत का उच्चारण ही तो सबसे पहले, जिनको भी लक्ष्मी की कमी है सभी को ये प्रयोग कर लीजिए। वैष्णव मार्ग से हो चुका है, आप भगवती लक्ष्मी से संबंधित कवच इत्यादि का अधिकादि का पाठ कर सकते हैं, जिसमें कुल देवी की उपासना भी हो जाए। अर्गला का नित्य पाठ करते हैं तो अति उत्तम है। महालक्ष्मी कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, कमला कवच का भी पाठ कर सकते हैं। कर्जा बहुत हो गया है, घर खरीदना था पर एक बैंक लोन चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आशा राणा जी कल का जो प्रयोग बताया है इसको करके नित्य जो है पाठ इसी संकल्प के साथ, कल का संकल्प नहीं लेना है ऋण मुक्ति होते, कल केवल लक्ष्मी जी के आकर्षण और अपने घर में स्थापना हेतु संकल्प लेके कीजिए। बाकी के दिन जो है, जब अगले दिन से आप कार्तिक के महीने में पूरा जो है पाठ पूजा जो करेंगे उसमें आप संकल्प लीजिए कि कर्ज से मुक्ति हो और लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उसके लिए मार्ग भी बने। और उसके बाद आप महालक्ष्मी अष्टक का 27 पाठ कीजिए, आप 16 नहीं, आप 27 कीजिए। मनोज जी खुद का पंख देख रहे हैं, खुद को आकाश में उड़ते देख रहे हैं, बार बार एक ही सपना को अगर देख रहे हैं तो पिछला जन्म में कहीं पक्षी वक्षी तो नहीं थे, या कहीं आने वाले जन्म में पक्षी तो नहीं हो जाएंगे? वैसे अगर संभव हो तो ध्यान दीजिए, आसपास में भगवान नारायण के वाहन गरुड़, उनका उपासना एक बार आप कीजिए, उनकी साधना आप कीजिए। ग्रह नक्षत्र इत्यादि का कुछ प्रभाव पड़ रहा है, करिएगा आप जाप, तब ना पता चलेगा भगवती कृपा की क्या प्राप्त होता है। आपका 10 बार कमेंट आया है कि हमें मंत्र का जाप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये तो वही बात हो गया कि दिल्ली हम जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। अरे दिल्ली जाइए तब ना केजरीवाल प्राप्त होगा, मोहल्ला क्लिनिक प्राप्त होगा, केजरीवाल प्राप्त होगा, जाइए तो सही, यहीं से पूछ रहे हैं, मेट्रो देखने को मिलेगा। ऐसे जब आप जाप कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या प्राप्त होता है, सबके लिए अलग अलग है ना। हम दिल्ली जाएंगे तो हमको अक्षरधाम मंदिर प्राप्त होगा, योग माया मंदिर प्राप्त होगा, आप जाइएगा तो आपको डिस्को बार प्राप्त होगा, अगर आप भक्त होंगे तो आपको भी वही सब प्राप्त होगा जो हमको प्राप्त होगा, है ना। तो उसी तरीके से आप जब जाप कर लीजिएगा तब आपको प्रज्वलित क्या प्राप्त होगा। कॉन्टेक्ट करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है वीडियो सब में, इसमें तो अभी अपलोड होने के बाद डालेंगे, बाकी वीडियोस में है, आप देखिए। घर में हर साल मृत्यु हो रही है, क्या कारण हो सकता है? तत्काल रूप से जो है भगवान शिव का अभिषेक हर श्रुदोष को शुरू करवा दीजिए। कोई ना कोई विशेष श्राप लगा होगा, चाहे वो श्राप देव श्राप भी हो सकता है, पितृ श्राप भी हो सकता है, किसी एक गलती के कारण ही पूरे कुल को भुगतना पड़ता है, शिव ही उस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तो उनका पूजन अभिषेक शुरू स्थापित कीजिए और वाणलिंग के सम्मुख नित्य जो उनका अभिषेक करके और वाणलिंग कवच का पाठ कीजिए। वाणलिंग कवच का विधि हम डालते हैं जल्दी ही। कैसा लक्ष्मी आया है बताइए सर, क्या बताएं, कौन सा मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करीब 9 माह से कर रहा हूं पर अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुशल नेगी जी, क्या लाभ होना चाहते हैं आप? क्या चाह रहे हैं कि सूर्य भगवान साक्षात प्रकट होकर आपको कवच और कुंडल प्रदान कर दें, या फिर आपको अमृत कलश प्रदान कर दें, या फिर आपको स्मंतक मणि सीधे दे दें? ऐसा कुछ आप सोच के कर रहे हैं क्या? आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भगवान राम किस समय किए थे और कौन से मुनि दिए थे, कौन से ऋषि दिए थे, किस कारण से दिए थे? भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने के लिए गए उस समय अगस्त मुनि के द्वारा आदित्य हृदय कवच को दिया गया है, और उस कवच को धारण करके श्री राम जो है युद्ध में विजय को प्राप्त हुए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं। तो आपके जीवन में जो संघर्ष हो रहा हो
वो रावण का स्वरूप हो गया जो भी आपको कष्ट परेशानी है। आदित्य हृदय कवच का जब आप पाठ करेंगे तो उस कष्ट से मुक्ति मिलने के लिए आपके भीतर क्षमता की बढ़ोतरी होगी। आप क्या चाह रहे हैं कि सामने में सूर्य नारायण प्रकट होकर के आपको कुछ दे देंगे? लाभ होगा, समय आने पे होगा, प्रारब्ध थोड़ा कटेगा तो लाभ भी मिलेगा। समय रखिए, आदित्य का समय 12 मास का होता है, 12 महीने का होता है, 12 महीने पूरे होने दीजिए। समय भी उस तरीके से, जाप आप कितना कर रहे हैं प्रतिदिन, समय कौन सा है। आदित्य हृदय स्रोत का जाप का समय बिल्कुल सूर्योदय का काल होता है, सर पे चढ़ने के बाद नहीं होता, सूर्य उदित होता रहे बिल्कुल लालिमा युक्त जब आप उसको देख सकें, उस समय देखते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना या फिर घर पे बैठ के पाठ करें। 12 पाठ कम से कम नित्य करना चाहिए। 1100 से 1200 पाठ पूर्ण होने के बाद से उसका प्रथम अंशात्मक प्रभाव जो है जीवन में पड़ना शुरू होता है। उसके साथ ही नियम निष्ठा शौचाचार बहुत जरूरी है। सूर्य का पूजन, बगलामुखी भगवती का पूजन, षष्ठी देवी का पूजन, जो छठी मैया है इनका पूजन, इन सभी का पूजन में शुचिता का इतना अधिक महत्व है। अगर आप महत्व नहीं रखते हैं, केवल आप आदित्य हृदय पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, घंटा कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा आपको और परेशानी बढ़ जाएगा। शुचिता का बहुत ध्यान रखना है, कपड़ा हमेशा साफ सुथरा धोया हुआ, जो भी गले में मणि माला पहनते हों उसकी शुचिता, स्पर्श और स्पर्शता का दोष ना लगे, इन सभी चीज का ध्यान देना। सूर्य पूजन का बहुत अधिक महत्व है इन सभी चीजों का। अस्मंतक मणि की कथा जो पढ़ते हैं भाद्रपद महीने वाला, उसमें देखिए जो कृष्ण जी को कलंक लगा था दो चंद्र देखने के कारण में, तो उसमें अस्मंतक मणि जिनको प्राप्त हुआ था उनकी हत्या या उनकी मृत्यु कैसे हुई, सूर्य भगवान साक्षात उनको अस्मंतक मणि दे तो दिए लेकिन वो शुचिता नहीं रखे, इस कारण से वो उनकी मृत्यु हो गया, काल मृत्यु हो गई। सूर्य की पूजा में शुचिता का बहुत महत्व है। आप प्रभाव चाहते हैं तो सूर्य के अनुसार ही आपको करना होगा। साथ ही आप अगर एक दो गलती और करेंगे तो भी आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। सूर्य को प्रचंड मजबूत बनाना चाहते हैं, हाथ में आप जो है माणिक्य भी धारण कर लिए उंगली में, और साथ में आप उस सूर्य को जल भी दे रहे हैं, तो भैया कोई फायदा नहीं है। आप या तो माणिक्य धारण कर लो या सूर्य को जल दे लो, दोनों कर रहे हो तो गलत है। और जो बोले कि नहीं 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 ये गलत नहीं है, सही है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा वैसा, तो उनसे बड़ा फिर चमन चुट्टा कोई नहीं है। चीज़ों को असल समझिए, सूर्य को प्रसन्न करना है तो इस सभी चीज़ों को समझ